ये मौलवी लोग दाढ़ियां वाड़ियां, इनको पूरा इस्लाम दाढ़ी में ही नजर आता है, इनका पूरा इस्लाम शलवार टखने से ऊपर में ही नजर आता है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है, इस्लाम इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो इन मौलवियों में नहीं है। इस तरह के ताने लोग देते हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि इस्लाम दाढ़ी में नहीं है, लेकिन दाढ़ी में तो इस्लाम है ना, इस्लाम में तो दाढ़ी है ना, पूरा इस्लाम यकीनन दाढ़ी में नहीं है, लेकिन पूरे इस्लाम में एक हुक्म बोले भाई दाढ़ी भी है। तो हम ये नहीं कहते कि जिसने दाढ़ी रख ली तो बस वो पक्का मुसलमान बन गया, वो जो मर्जी करता रहे, ये कथन हम नहीं कहते। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिसने दाढ़ी रख ली उसने इस्लाम के एक बड़े हुक्म पर अमल कर लिया। अब हम उसे कहते हैं भाई दूसरे अहकाम भी, दूसरे अहकाम भी हैं, अखलाक से लोगों से बात करना, ब्रेक टाइम पे लगा देना गाड़ी की ब्रेक। वो इसलिए कह रहा हूं कि बाज दफा दाढ़ी वाले ब्रेक ही नहीं लगा रहे होते, फिर वो दाढ़ी को भी मलामत की जाती है। वो एक मौलाना साहब जा रहे थे, किसी खातून को टक्कर लग गई गाड़ी में, तो खातून ने कहा इतनी बड़ी दाढ़ी रख के टक्कर मारते हो, शर्म नहीं आती? तो उन्होंने कहा मोहतरमा ये दाढ़ी है, ब्रेक नहीं है। सही है ना, ब्रेक का ताल्लुक दाढ़ी से, लेकिन लोग हर गलती को किसके खाते में डाल देते हैं कि दाढ़ी रखी हुई और गलत ड्राइव कर रहा है, दाढ़ी रखी हुई है गलत पार्क कर रहा है। तो भाई जो गलत पार्क कर रहा है इसलिए नहीं कि दाढ़ी रखी हुई है, बल्कि इसलिए कि उसने इस्लाम के एक हुक्म को तो फॉलो कर लिया, दूसरे हुक्म को वो फॉलो नहीं कर रहा। अगर वो दूसरे को भी फॉलो करता तो उसमें भी ठीक हो जाता। क्या ख्याल है भाई, गलत कह रहा हूं? दाढ़ी रख के बदअखलाकी से बात कर रहा है, तो दाढ़ी कोई बदअखलाकी नहीं सिखाती इंसान को। बात यह कि उसने मौलाना साहब के दाढ़ी के बारे में बयान सुने, अखलाक के बारे में बोले भाई नहीं सुने, इसलिए वो दाढ़ी है मगर अखलाक शार्ट है। भाई जिस पर अमल करेगा उसी पर अमल होगा ना। तो बाज लोग पहले से बदअखलाक होते हैं, दाढ़ी तो रख लेते हैं मगर वो अखलाक को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने ये हदीस नहीं सुनी होती कि किसी से मुस्कुरा के बात करना सदका है। अगर पुलिस वाले से आप, पुलिस वाले ने आपको रोका तो आप पुलिस वाले से मुस्कुरा के बात करें, और पुलिस वाले को चाहिए कि आपसे मुस्कुरा के बात करें। तो ऐसे है जैसे दोनों ने एक दूसरे को 50-50 रुपए तो वैसे ही पकड़ा दिए, सदका है ना, हदीस में आता है। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये भी सदका है, तलका अखाका बिवजहिन तलीक, अपने मुसलमान भाई से मुस्कुराते चेहरे खंदा पेशानी के साथ मिलो तो ये भी क्या है, सदका है। क्या मतलब, जैसे 50 रुपए तुमने पकड़ा दिए, तो अब अगर पुलिस वाला आपसे 500 रुपए मांगे तो आप मुस्कुरा के बात करें और फिर 450 रुपए दें आप उसको। ओके, ये कि आप कहें भी 50 रुपए जो मैंने तुमसे मुस्कुरा के बात की है, ठीक है, लेकिन वो बहुत होशियार होते हैं, वो आपसे फिर मुस्कुरा के बात करेगा, कहेगा वो 50 मैंने वापस कर दिए, मुझे पूरे 500 दे दो। ठीक है ना, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो दाढ़ी में यकीनन पूरा इस्लाम नहीं है, लेकिन भाई इस्लाम में दाढ़ी भी है।